लालकुआं के मुख्य चौराहे पर नोएडा नंबर की एक डस्टर कार में सवार युवकों को कार का हूटर बचाना भारी पड़ गया, जब सीओ के सामने से गुजर रही हूटर बचाती कार को रोक लिया गया, जिसमें विधायक का स्टिकर लगा हुआ था, साथ ही उसमें भाजपा का झंडा भी लगा था। जिसके बाद कार में सवार युवकों से पूछताछ की गई तो कार सवार ने बताया कि वो सभी यूपी बरेली के रहने वाले हैं और नैनीताल से घूमकर वापस जा रहे थे। पूछताछ में पता चला कि विधायक का स्टिकर फर्जी है, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया और स्टिकर हूटर गाड़ी से हटाया गया। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। निर्देश हैं उसके अनुपालन के संबंध में जो चेकिंग टीम द्वारा यहाँ पे एक डस्टर गाड़ी यूपी नंबर की थी, जिसमें हूटर अवैध हूटर लगा हुआ देखा गया। इस संबंध में इसके पूछा गया तो इसने कोई ऐसे दस्तावेज पेश नहीं किए जिसमें ये जस्टिफाई होता हो कि हूटर लगाया गया, तो इस संबंध में हूटर को जब्त कर लिया गया तथा एमवी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है।